Hello everyone. Today we will discuss about To Build a Fire written by Jack London. ये स्टोरी शुरू होती है एक जगह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ठंड की वजह से ना तो सूरज निकलता है और ना ही कोई रोशनी होती है. रोशनी होती है पर बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर होता है. हर जगह बर्फ होती है और सुबह के 9 बज रहे होते हैं. जो इंसान यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है उस इंसान को काफी लोगों ने वार्न किया था कि तुम इतनी सर्दी में वहाँ पे घूमने के लिए मत जाओ क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जस्ट लाइक -75, -85 डिग्री. तो बहुत ज्यादा वहाँ ठंड होती है क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे गए हैं और लौट के नहीं आए, उनकी डेथ हो चुकी है जो वहाँ पे गए हैं इस मौसम में घूमने के लिए. तो वो इंसान बोलता है नहीं नहीं, मैं जाऊंगा और मैं रिकॉर्ड तोड़ के आऊंगा, देखना तुम. काफी लोगों ने उसको मना किया होता है पर वो किसी की सुनता नहीं है. अब वो उस जगह में ट्रेवल के लिए जा रहा होता है. जब वहाँ पे पहुँचता है बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, पेड़ों में पूरी बर्फ जमी होती है. पेड़ तो कोई दिखाई देता नहीं है, पूरी उसके ऊपर बर्फ की लेयर लगी हुई होती है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही होती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडा माहौल होता है. उसके साथ उसका एक पेट भी होता है, एक डॉग होता है उसके साथ. उसके हेयर बहुत होते हैं, उसके हेयर लॉन्ग होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा उसका डॉग होता है. तो वो अपने डॉग के साथ वहाँ पे चल रहा होता है. वो चलता रहता है पर आगे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है. इतनी धुंध होती है, इतनी बर्फ गिरी होती है आगे और पूरे जगह में चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है. आगे जब वो चलता रहता है तो क्या होता है कि उसके नोज में, उसके फेस में, हाथों में, उसके हैट में, उसने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया होता है पर उसके पूरे कपड़ों में और पूरे फेस में, उसके दाढ़ी में, हर जगह बर्फ की लेयर बनने लगती है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है. आगे चलते चलते वो सोचने लगता है कि यहाँ पे रास्ता कहाँ से गया और कहाँ खत्म होगा, क्योंकि रास्ता पता ही नहीं चलता कि रास्ता कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है क्योंकि वहाँ बहुत चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है. कुछ समझ में नहीं आता है और धुंध भी बहुत ज्यादा हो रही होती है. और वो सोचता है कि मुझे कहीं एक शेल्टर मिल जाए जहाँ बैठ के मैं थोड़ा सा आग जलाऊं और बैठ के अपने आप को थोड़ा गर्म करूं और साथ में खाना भी खा लूं. लगभग इस वक्त 10 बज रहा होता है और वो सोचता है वाओ, एक घंटे के अंदर ही अंदर मैं इतनी आगे आ गया हूं. तो जब वो और आगे जाता है तो फाइनली उसको एक शेल्टर मिलता है. वहां पे वो बैठता है, आग जलाता है, उसका पेट भी उसके साथ में होता है डॉगी, और वो वहां पे बैठता है, आग जलाता है और अपना खाना खा लेता है. उसके ठीक आधे घंटे के बाद वो उठता है फिर से और फिर उसके बाद चलने लगता है. आगे जाते ही जाते वो सोचने लगता है कि कहाँ पे ये रास्ता मिलेगा मुझे, पर रास्ता कहीं पे भी दिखाई नहीं देता. इतनी धुंध होती है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है. तो वहाँ पे एक रिवर बनी रहती है. तो रिवर में इतना, मतलब वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है कि रिवर में जो भी वाटर था वो सब बर्फ बन चुका था. तो वो सोचता है कि हाँ, मैं इस रिवर के ऊपर चलूंगा तो शायद से रास्ते तक पहुंच जाऊंगा. वो उस रिवर में चलने लगता है, फिर वो सोचता है कि इसकी बर्फ टूट ना जाए, अगर टूट जाएगी तो मैं अंदर गिर जाऊंगा और मेरी डेथ भी हो सकती है. तो बड़े सावधानी से वो चलता है उस रिवर के ऊपर और फिर उसके बाद चलता रहता है. उसको बहुत जोरों की ठंड लगती है. वो अपने ग्लव्स उतारता है और अपने हाथों को रब करने लगता है, अपने हाथों को रब करता है, अपने फेस को रब करता है क्योंकि उसकी बॉडी जाम होने लगती है और उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा सुन्न होने लगते हैं उस टाइम, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है और उसके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होता है वो भी जाम होने लगता है, मतलब ब्लड भी जमने लगता है, इतनी सर्दी होती है. वो फिर से सोचता है कि कहीं आसपास मुझे फिर से कोई शेल्टर मिल जाए, मैं वहाँ पे बैठ के आग थोड़ा जला के अपने आप को गर्म कर लूँ, पर ऐसा नहीं होता. आगे तो बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, हर चारों ओर बर्फ होती है और रास्ता भी नहीं मिलता कि कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है. वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कपकपाने लगता है. फिर भी वो चलता रहता है, उसका डॉग भी चलता रहता है. फिर क्या होता है, रिवर का जो बर्फ होती है वो एक जगह से क्रैक होती है. तो जब वो अपना पैर रखता है तो वो गिर जाता है, उसके अंदर ही गिर जाता है. जब वो गिर जाता है तो वो पूरा गीला हो जाता है. कैसे भी करके वो अपने आप को उस जगह से निकालता है, उस गड्ढे से निकालता है और वहाँ पे पानी होता है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. वो अपने आप को निकालता है, उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो कपकपाने लगता है. उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा सुन्न होने लगते हैं और उसको महसूस ही नहीं होता है कि उसके हाथ कहाँ हैं और पैर कहाँ हैं. और उसकी बॉडी बहुत जाम होने लगती है, उसका जो ब्लड होता है वो भी जाम होने लगता है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है. और वो बहुत ज़्यादा कपकपाने लगता है और सोचने लगता है कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, और अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो यहाँ पे तो कोई इंसान आते भी नहीं है जल्दी ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, वो भी इतनी ठंड में. तो वो ऐसे सोचने लगता है. फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि हाँ, किसी ने मुझे बताया था कि अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो किसी भी एनिमल का जो भी खाल होती है उसको निकाल कर ओढ़ो तो गर्मी आ जाती है, मिल जाती है. तो उसका पेट उसके बगल में होता है, उसका डॉग उसके बगल में होता है. वो सोचने लगता है हाँ, इसको, इसकी खाल मैं निकाल कर ओढ़ लूँगा, शायद मुझे गर्मी मिल जाए. वो पेट पहले से ही समझ जाता है इसके इरादे और वो पेट इसको देखता है और वो भाग जाता है और इसके पास में नहीं आता. वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भाग जाता है
अब क्या होता है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। आग जलाने की कोशिश करता है पर वो इतना गीला होता है, पूरी माचिस गीली हो जाती है, आग नहीं जलती। इतनी ठंड वहाँ पे हो जाती है क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -85 डिग्री में जा रहा होता है, और बहुत ज़्यादा धुंध, बारिश हल्की हल्की हो रही होती है उस टाइम। और वो सोचता है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा फंस गया हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और उसकी बेवकूफ़ी के कारण वो उस जगह में फंस जाता है और ठीक 15 मिनट के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।